लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय के लिए मैंने एक शेड्यूल आप लोगों को बनवाया था तैयारी के लिए, और उस तैयारी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं। उस श्रृंखला में दूसरा टेस्ट हमारा कल हुआ है। कल यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल इंडिया फुल मॉक टेस्ट नंबर 13 जो है 30 अगस्त को जो है वो 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में ये दिन में था। ठीक है, इस टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये कल अर्थात 30 तारीख को जो है ये टेस्ट हो चुका है। अब इसकी एक बार एनालिसिस करते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे एप्लीकेशन पे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो लाइब्रेरी विषय के लिए, लाइब्रेरी सब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो है बैच के अंदर 7258 स्टूडेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं या उसको उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। लेकिन मैं अगर बात करूं कि टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने दिया, तो इन 7000 या 7500 के करीब स्टूडेंट्स के बीच में से 291 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को दिया, जो कि एवरेज के हिसाब से बहुत कम रहा। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग खुद ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं जिनकी भी जो है इंक्वायरी लेती हूँ या जितने भी मैंने अभी तक जितना आप लोगों को समझा है, जाना है, और आप लोगों के विषय से रिलेटेड जिन परेशानियों को जो है मैं समझ पा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट सेकेंड है, प्रैक्टिकल यूनिट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है सेकेंड यूनिट से जो है वो थोड़ा बहुत अदर यूनिट्स की अपेक्षा जो है वो थोड़ा घबराहट महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ तक मुझे लगता है, यूनिट सेकेंड का ये जो पेपर है, इसके अंदर स्टूडेंट्स को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। उनको अपनी जो तैयारी है उसको जांचने का बहुत बेहतरीन तरीका है ये। तो आप एटलीस्ट अपनी तैयारी को समझ सकते थे, अपनी तैयारी को जान सकते थे, लेकिन अपेक्षा के विपरीत बिल्कुल जो है आप लोगों का ये प्रतिफल मेरे सामने आया। लास्ट एग्जाम में जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था उससे और कम हो गए इस पेपर के अंदर, जबकि इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। तो 291 स्टूडेंट्स जो है इस टेस्ट में जो है वो शामिल हुए। जो एवरेज स्कोर आया है वो 137 आया है। देखिए, 137 जो है वो एवरेज स्कोर है कितने में, 300 में से, 300 में से 137 जो है वो एवरेज स्कोर आ रहा है। ग्रेड जो है वो बी आ रहा है, और एवरेज जो टाइम टेकन है वो 50 मिनट्स का है, क्योंकि मैंने कई बच्चों के जो है वो रिजल्ट्स को ओपन करके, सॉल्यूशंस को ओपन करके मैंने देखा था, तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। हालांकि टाइम देखिए, आपने एवरेज 50 मिनट से लिया है, मैंने तो अपनी तरफ से टाइम जो है वो 2.5 घंटे का उस पेपर के लिए किया हुआ था, लेकिन 2.5 घंटा जो है वो यूटिलाइज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। आई डोंट नो क्या रीज़न है, 2.5 घंटे का पूरा टाइम कभी कोई यूटिलाइज नहीं करता है। कम टाइम में जो है वो पेपर को आप लोग कंक्लूड कर देते हैं और उसके बाद सबमिट कर देते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको सोचते भी नहीं हो, विचारते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो, मुझे लगता है इसीलिए इतनी जल्दी आप लोगों का जो है वो टाइम एवरेज ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एक कैलकुलेट करने के हिसाब से चलूं तो ग्रेड वन की अगर मैं बात करूं, देखिए ये ग्रेड ए है हमारे, ये ग्रेड बी है। बी को अगर आप देखेंगे तो देखिए इतने जो है वो संख्या ग्रेड बी की है, दैट्स वाई जो हमारा एवरेज ग्रेड है वो क्या आया, बी आया। ये सी है, बी के इक्विवेलेंट ही लगभग उतने ही स्टूडेंट्स लगभग लगभग सी में भी हैं। ये जी ग्रेड वाले हैं, ये ई ग्रेड वाले हैं, और ये हमारे एफ ग्रेड वाले जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो अब आप लोगों का क्या रिजल्ट है, आप लोगों की क्या रैंकिंग है, एक बार रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट देखने का हम लोग प्रयास करते हैं कि रैंकिंग के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या रहा। हम आते हैं फर्स्ट रैंक पे। फर्स्ट रैंक गुड्डी डोगीवाल कोई हैं, इनके मार्क्स देखिए आप, 294 नंबर जो है इनके पास आ रहे हैं 300 में से, और ये ए ग्रेड हैं। अब मुझे नहीं पता है कि ऑनेस्टी के साथ इन्होंने किया है या किस तरीके से किया है, क्योंकि 294 नंबर सेकेंड यूनिट पेपर में आप केवल विषय के अंदर अगर हैं तो लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब विषय के साथ साथ जीके के पेपर भी इन्वॉल्व होते हैं तो जीके में, जीके का जो पेपर है वो डायनामिक होता है, जिसमें
सारे टॉपिक्स बिल्कुल 100% क्लियर करना, 100% कॉन्सेप्ट को समझना बहुत रेयर स्टूडेंट्स के साथ होता है, बहुत कम ही लोगों के साथ ऐसे होता है। बहरहाल हमारे सामने ये जो है ग्रेड ए जो है वो गुड्डी डोगीवाल, ग्रेड टू जो है रेनू चौधरी और ग्रेड थ्री जो है कौशल मीणा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन तीन स्टूडेंट्स को, ये हमारे क्या है टॉप 3 स्कोरर हैं। और उसके बाद जितने भी हैं मैं नाम आप लोगों का एक बार जो है वो लेकर के दिखा देती हूँ, क्योंकि इस रिजल्ट के अंदर जो है वो हमने सॉल्यूशन और रिजल्ट को क्या किया था, म्यूट किया था। टेस्ट के अंदर मैंने ये म्यूट कर दिया था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर इस टेस्ट में भी जो है मैं रिजल्ट को सबके सामने रखती तो ये जो नंबर आए हैं फर्स्ट रैंक के कहीं ना कहीं अदर स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करते। जो दूसरे ऑनेस्ट स्टूडेंट्स से तैयारी करने वाले वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं इस तरीके के नंबर्स को जो है वो टॉप स्कोरर्स को देख करके। तो इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया था कि चलो मैं ही डिस्कस कर लूंगी। तो हम लोग आते हैं फोर्थ रैंक से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ रैंक फिफ्थ रैंक से हम लोग जो है ये चलते हैं। फोर्थ रैंक की अगर मैं बात करूँ तो गोपाल डोगीवाल जो है वो फोर्थ रैंक पे हैं। फिफ्थ रैंक की अगर मैं बात करूँ, मदन चौधरी फिफ्थ पे हैं, राजवीर सिंह नरुका सिक्स, अक्षय सेवेंथ, जितेंद्र कुमावत एट, सुरेंद्र नाइन, सुरेश टेन, रजत कुशवाहा इलेवन, पीके यादव ट्वेल्व। रजत कुशवाहा आपका नंबर थोड़ा सा आप देख लें, है ना। पीके यादव ट्वेल्व, राकेश थर्टीन, चिरपाल सिंह फोर्टीन, रमेश फिफ्टीन, सुमन शेखावत 16, विकास 17, दीपक 18, सुशील विश्नोई 19, दाऊद 20। वेल डन, आई एम सो हैप्पी, आपकी रैंक इम्प्रूव हो रही है दाऊद, ऐसे ही इम्प्रूव होते रहिए। नेक्स्ट मनोज कुमार 21, हेमेंद्र सिंह 22, कमलेश 23, देव 24, अशोक कुमार चौधरी 25, गोपाल 26, दयाराम 27, नारायण 28, राजेश 29, सतनाम 30, विनोद बुनकर 31, बिरखा गोदारा 32, तगत सिंह 33, कपिल 34, विजय सिंह 35, सुरेश कुमार 36, रवि सैनी 37, बलवंत सिंह 38, रामदयाल 39, चंद्रप्रकाश 40, दीपक 41, राजेश 42, राम जाट 43, कमलेश कुमार मीणा 43, विजेंद्र सिंह 44, विजेंद्र जी सॉरी विजेंद्र 45, थोड़ा सा और इम्प्रूव होने की आपको ज़रूरत है 45 रैंक से। समता 46, समता आपके भी लास्ट परफॉर्मेंस जो है वो टॉप स्कोरर में आए हैं, अभी आप 46 रैंक पे हैं तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जय नारायण 47, नौरंगी 48, मिलन 49, सोनिया 50, मोतीलाल 51, दिनेश गोधारा 52, लोकेश 53, ममता चाहर 54, इंद्राज 55, पूजा मीणा 56, दीपक 57, महेंद्र डोगीवाल 58, कान सिंह 59, हरि सिंह 60, राजू प्रजापत 61, प्रिंस 62, मधु मित्रा 63, प्रियंका 64, सोमित सिंह 65, प्रकाश 66, रंजना 67, निर्मला यादव 68, निक्की 69, जेठू सिंह 70, शिवानी 71, मुकेश कुमार सैनी 72, अभी 73, विजय 74, भूवी 75, संदीप 76, उषा मीणा 77, विनोद बेनीवाल 78, कमलेश भास्कर 79, आनंद कंवर 80, कृतिक 81, सतीश 82, रॉकी 83, रसपाल 84, कृष्णा 85, राकेश शर्मा 86, मुकेश चौधरी 87, पूजा 88, हरि मोहन सैनी 89, दिनेश 90, रवि 91, अजय जोशी 92, अर्जुन उपाध्याय 93, कमल 94, रिंकू 95, ज्योति 96, कमलेश यादव 97, मयूर 98, एस के चौधरी 99, बिंदु 100, भूपेंद्र चौहान 101, मुलेश मेघवाल मुलेश मेघवाल 102, राम 103, प्रेम डांगी 104, सुखाराम गुजर
105, शिव शंकर 106, कमलेश 107, प्रभा चौधरी 108, जोगाराम 109, अमित 110, आकांक्षा 111, रेनु 112, युवराज सिंह 113, रविंद्र 114, सुनील चौधरी 115, हितवी वैष्णव 116, रवि रत्नु 117, SSK, आई डोंट नो कौन है ये, SSK 118, कविता 119, मनोज 120, विक्रम सिंह 121, मंजू 122, मनोज कुमार मीणा 123, दिनेश 124, विनोद कुमार शर्मा 125, गणेश 126, मुकेश मीणा 127, सुमन 128, जितेंद्र ठोलिया 129, आशापुरी 130, नरेंद्र जाकर 131, सुमन चौधरी 132, श्रवण विश्नोई 133, पिंकी 134, रामनिवास 135, हरीश चंद्र 136, रचना 137, कुमार सुनील 138, टीनू जांगीड 139, नीरज इंदौलिया 140, विवेक 141, अमित 142, मनीष 143, गौरव टाक 144, भंवरलाल सैनी 145, मयंक दवे 146, सुमन 147, टीकम 148, कैलाश 149, सुनीता कुमारी 150, शांति शर्मा 151, वीरेंद्र सिंह 152, अन्नु 153, गौतम पटेल 154, कृष्णा मीणा 155, नीरज शर्मा 156, पवन सिंह 157, संजू दोसात्रा 158, शोभा 169, तुलसी शर्मा 160, अनुराग सिंह 161, मेघा जैन 162, आशा चौधरी 163, बजरंग बिश्नोई 164, राजबाला 165, देवराम 166, जियो 167, अनुराधा दवे 168, इंद्रजीत 169, महेंद्र 170, ओम प्रकाश 171, मैजिक ऑफ मेकर 172, निमिषा 173, चंद्रभान करवा 174, प्रकाश 175, अनीता शर्मा 176, शाहरुख खान 177, मंजू 178, रामवीर डागुर 179, किरोरीलाल 180, ओम प्रकाश 181, आशा 182, सुरेश कुमार 183, विनोद शुक्ला 184, राजेश कुमार गुप्ता 185, लखा सिंह 186, वीरता 187, गौरव 188, जगदीश पाटीदार 189, राजेंद्र राठौर 190, प्रतिभा 191, मुरलीलाल सेन 192, दामोदर 193, मनीषा पारिक 194, सुमन 195, सुनीता गोस्वामी 196, इरशाद 197, मुकेश चौधरी 198, कुसुम 199, विनोद 200, पवन मून 201, ये नंबर है किसी का 9649524982, 202, निर्मला चौधरी 203, सतीश 204, हर्षा 205, एकता कपिल 206, दीपेश राठौर 207, करण सिंह 208, गोमती 209, अरुण 210, गिरिराज कुमार गोयल 211, रोशनी भादु 212, समता 213, ज्ञान 214, अशोक कुमार मीणा 215, समेष्ठा 216, सत्येंद्र सिंह 217, पिंकी 218, जतिन 219, वंदना मेहता 220, आदित्य 221, रमेश कुमार 222, पूनम चौधरी 223, अंजलि चौधरी 224, महेश 225, सुनील 226, अमृता 227, रमेश 228, सुगना गुर्जर 229, अनीता 230, जैमल 231, महेंद्र जाट 232, रेखा 233, पुष्पा 234, मीनाक्षी 235, विजय 236, सहदेव गुजर 237, सॉरी गीता कुमारी 237, सहदेव 238, सोनू 239, शुभम 240, इंद्रा धायल 241, गौरव यदुवंशी 242, गौरव यदुवंशी थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस रैंक पे आपको हम नहीं देखना चाहते हैं, आप थोड़ा और ऊपर आइए। ओके, गौरव हो गए,
भाभूता राम 243, मोनिका 244, दीपक 245, मनीष 246, रेखा 247। देखिए यहाँ से रेखा से जो है वो ग्रेड ई स्टार्ट है, ठीक है, ग्रेड ई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, रेखा 247, रमेश 248, अजय 249, कोमल 250, धर्मेश 251, शिवानी 252, अलका शर्मा 253, कुलदीप 254, सुरेश बिश्नोई 255, परमजीत 256, मनीषा 257, श्याम सिंह 258, जगदीश 269, राकेश मीणा 260, सुरेश 261, महेश 262, राजकुमार 263, ज्योत्सना 264, राकेश बुनकर 265, भावना 266, कमलदीप 267, परीक्षित 268, शिवानी शर्मा 269, अनीता 270। ये एफ वाले सारे चल रहे हैं। मोहन 271, वैभव 272, सनी 273, निशा 274, सॉरी सनी 273, राकेश 274, निशा 275, सुमन विश्नोई 276, रितु 277, राजू राम 278, अजय शर्मा 279, नव भावना मिश्रा 280, ओके, सोनपाल 281। अब उसके बाद 281 के बाद जो है ये माइनस वाले जो है वो हमारे अंक जो है वो स्टार्ट हो गए। इतना मैंने करा दिया है तो इनकी भी जो है वो रैंकिंग हम बता ही देते हैं ना। गणपत लाल 283, संतोष 284, सुप्रीता 285, प्रियंका जांगीर 286, नवीन 287, मोनिका शर्मा 288, शिव कुमार 289, हिमांशु 290 और गीत जो है -66 मार्क्स के साथ 291 रैंक पे हैं। तो ये जो है आज हमारा जो आपका पेपर यूनिट सेकंड का जो आपका टेस्ट हुआ था 30 तारीख को, उसकी जो है वो टेस्ट एनालिसिस है। अब कई स्टूडेंट्स का जो है मेरे पास कुछ क्वेरी रहती है, कुछ प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं। जैसे मैंने पहले के टेस्ट ओपन कर रखे हैं तो पहले के टेस्ट में कुछ एकाध क्वेश्चंस में जो है वो प्रॉब्लम है। तो जो नए स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता हैं। जो टेस्ट अपलोड किए जाते हैं, जो टेस्ट डाले होते हैं, वो टेस्ट जो है वो कॉम्पाइल्ड टेस्ट हैं, अर्थात वो बनाया नहीं हुआ, ऑलरेडी किसी का बना हुआ है, उसको हमने कॉम्पाइल करके एक साथ इकट्ठा करके आपको प्रैक्टिस के लिए पेश कर दिया। तो जब हम वो पेश करते हैं तो अगर आगे से गलती आ रही है तो वो गलती एज इट इज जाती है, तो उसमें कहीं हमारी कोई फॉल्ट नहीं होती है। तो अगर कोई गलती आ रही है तो और आपको उसका करेक्ट आंसर पता है तो आप करेक्ट आंसर पे जाइए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको 50 क्वेश्चन अगर दिए जा रहे हैं, 50 में से अगर एक रॉन्ग है तो उस एक रॉन्ग के लिए आप मेरे पास कमेंट कर देते हैं कि मैडम ऐसे मत डाला करो, वैसे मत डाला करो। आप 49 तो सही करके देखो, आप इस चीज को पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते, हर चीज में नकारात्मक आप लोग क्यों घुसते हैं, कुछ चीजों में सकारात्मक तो सोचा कीजिए। अगर एक क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक आ रही है, चाहे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, चाहे टाइपिंग में मिस्टेक है, चाहे उसके ऑप्शंस में मिस्टेक है, कुछ भी है, आप उस एक क्वेश्चन को 50 में से डिलीट कर दीजिए ना, अपने साइड से ही डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये टेस्ट तो प्रैक्टिस के लिए है। कौन सा इस टेस्ट से हम आपका कोई सिलेक्शन ले रहे हैं या आपको कोई अवार्ड दे रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके लिए। ये केवल आपके अपने स्वयं की जो आपके तैयारी की स्थिति है उसको जांचने के लिए ये एक जो है हम लोग प्लेटफॉर्म आपके सामने प्रस्तुत करके रखते हैं। तो बाकी 49 को आप करेक्ट कीजिए ना, 49 पे आप अपनी पकड़ बनाइए, उस एक के पीछे आप क्यों पड़े रहते हैं और उसके बाद आप डिमोरलाइज होते हैं उस एक के पीछे पढ़ करके, फिर आप मेरे पास अगेन आप कमेंट करते हैं। आपको ये भी रियलाइज नहीं होता है कि इतनी मेहनत करके हम कम से कम करा तो रहे हैं, तो अगर एक क्वेश्चन कहीं से गलत, वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, अगर हमसे भी कोई गलती होती है तो होती है, इस चीज़ को तो हम एक्सेप्ट करते हैं, कहीं गलती होती है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है हमारे ऊपर चढ़े रहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस को और ऊपर लेकर के जाइए। और जितने भी अभी पेपर मैं करा रही हूँ, लास्ट पेपर भी जो कराया था फर्स्ट यूनिट का, वो भी थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग बहुत शानदार पेपर जो है वो बनाया गया था, और अभी वाला भी जो पेपर आपका सेकेंड यूनिट का भी जो हुआ है वो भी बिल्कुल एज पर पैटर्न, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया था। अब अगर आप लोग नहीं करते हैं, अगर आप लोग इसको ज्वाइन नहीं करते, जो लोग नहीं करते हैं ये उनकी अपनी किस्मत हो सकती है,
लगती है कि क्यों नहीं उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि इसको करने में उनको कोई घाटा तो है नहीं, किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो इससे वंचित रह गए तो ये उनके लिए नुकसान है। ठीक है, ये उन्होंने अपना एक तरीके का नुकसान किया। और जो लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, मार्क्स ऊपर आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट टाइम से जो हमारे नेक्स्ट अभी 3 यूनिट के पेपर्स रह गए हैं, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ, अब जो ये तीनों यूनिट के जो पेपर हैं वो यूनिट वाले पेपर केवल 100 क्वेश्चंस के होंगे, जिसमें केवल लाइब्रेरी के ही क्वेश्चन होंगे, जीके के क्वेश्चन अभी मैं नहीं डालूंगी। तो केवल 100 100 क्वेश्चंस जो है वो लाइब्रेरी के ही टेस्ट पेपर्स आपके सामने आएंगे। सो आगे की तैयारी आप लोग कीजिए। अभी क्या है, 31, 1, 2 और 3 थर्ड यूनिट की प्रिपरेशन के लिए आई थिंक 4 तारीख को हमारा पेपर जो है वो प्रस्तावित है, तो 4 को जो है हम लोग, नहीं 4 को नहीं 5 तारीख को शायद, 31, 1, 2, 3 तो जो भी है हमारा जो टेस्ट डे प्रस्तावित है हम उस दिन करेंगे, और 100 क्वेश्चंस जो है हम लोग जो है वो लेकर के आएंगे। तो आप लोग लाइब्रेरी की तैयारी कीजिए, जीके की तैयारी आप खुद से कीजिए, और जीके के क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से अपने आप अपने लेवल पे इम्प्रूव कीजिए। सो ठीक है, आप आगे की तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।